सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रसल स्ट्रोक। रसल मीना 38 में नाइट 2 में हमें पहली बार ये ड्रीम मैच देखने को मिल रहा है रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेस एज स्टाइल के बीच में। तो इस मैच के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पे ऑल पे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेलिब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज के रेसलमेनिया 38 के नाइट 2 में, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि कल के रेसलमेनिया 38 के नाइट 2 में हमें एज वर्सेस एज स्टाइल के बीच में हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि आप कह सकते हो कि WWE के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है एज वर्सेस एज स्टाइल के बीच में इतना बड़ा ड्रीम मैच हमें फाइनली AT&T स्टेडियम में देखने को मिल जाएगा, जहां पे 50,000 से ऊपर ऑडियंस रहेंगे इस वाले उनको मैच को देखने के लिए। और ये वाला भी मैच अब ऑफिशियल तौर पर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि राइवलरी स्टार्ट हो चुकी है। और गाइज, इनकी राइवलरी और बिल्डअप की बात की जाए तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एज 2 वीक के मंडे नाइट रॉ में आते हैं और बोलते हैं कि किसके पिछवाड़ों में ताकत है, वो आके मेरे मतलब जो ओपन चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करे। तो एज स्टाइल आते हैं 2 वीक के बाद के मंडे नाइट रॉ में, जब लगातार 2 वीक के रॉ में हमें एज का कुछ ऐसा सेगमेंट देखने को मिलता है तो एज के इंटरप्ट करते हैं एज स्टाइल, और एज स्टाइल उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा चीयर करती है। तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है एज काफ़ी ब्रूटल तरीके से अटैक करते हैं एज स्टाइल पे, यानी कि एज ये करते हैं कि लगभग उनको मतलब इंजर्ड ही करने वाले रहते हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है कि लगभग लग रहा था कि अब एज स्टाइल के साथ उनका मैच नहीं होगा क्योंकि लगभग उनको इंजर्ड कर ही देते, लेकिन गाइज अचानक से मंडे नाइट रॉ में उनका रिटर्न होता है और ये वाला जो मैच का जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनता है। और गाइज, कल के रेसलमेनिया 38 के नाइट 2 में ये वाला मैच हमें देखने को मिलने वाला है, तो हमें देखना होगा कि कैसा होता है, कौन किसको हराता है। लेकिन गाइज, अभी के लिए तो इस मैच के बारे में मैं कुछ यही कहूँगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।